असिस्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर स्कूटी आपकी लाइक कहीं स्टेबल खड़ी है और स्टार्ट है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जिससे कि फ्यूल की भी बचत होती है। दो ट्रिप इंटर के साथ ब्लूटूथ भी इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हो। चीज़ काफ़ी वाइब्रेट होती है इसकी, मैं ये चीज़ बता दूँ, अगर स्टेबल खड़ी तो काफ़ी वाइब्रेट होती है। ऑलराइट, सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। एंड द मैक्सी स्कूटर फ्रॉम द यामा इज राइट ओवर हेयर। वैसे तो लॉन्च लास्ट ईयर ही हो गया था, बट अपने कानपुर में अब आए तो मैंने सोचा इसका एक सेपरेट रिव्यू करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक यामा ओनर हूँ और यामा के जितने भी स्कूटर्स हैं या मोटरसाइकिल हैं उनके ऊपर रिव्यू करना तो बनता है। इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया था, तो मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे ये सिंगल वेरियंट में आती है, तो स्कूटर का नाम एज यू ऑल नो एरोक्स। तो यहाँ पे यामा का एरोक्स स्कूटर है, जो कि मैक्सी स्कूटर है, जो कि हम लोग का बाहर की कंट्रीज़ में अगर देखें, इंडोनेशिया और थाईलैंड में जो मैक्सी स्कूटर्स चलते हैं, तो वो है। यहाँ पे हम लोग देखें तो 155 सीसीज का ये मैक्सी स्कूटर है और ये E20 है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, तो ये E20 कंपैटिबल स्कूटर है, E20 OBD2 इक्विप्ड। तो यहाँ पे आपको LED DRL और LED लाइट देखने को मिलता है। फ्रंट लुक काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में अगर हम लोग देखें तो। और यहीं पे जो कलर देखने को मिलता है वो आपको सिल्वर गोल्डन कलर देखने को मिलता है। वैसे पहले तीन कलर देखने को मिलते थे, एक आपको वाइट रेड देखने को मिलता था, और एक आपको देखने को मिलता है जो कि पूरा रेसिंग ब्लू है, और एक आपको कलर फुल ब्लैक देखने को मिलता था, जिसमें भी एलॉय भी ब्लैक है। इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो सिल्वर और यहाँ पे एलॉय गोल्डन देखने को मिलते हैं। 14 इंचेस का व्हील साइज आपको देखने को मिल जाता है, और जो फ्रंट डिस्क है उसमें आपको EVS देखने को मिलता है, और 230mm की फ्रंट डिस्क आपको देखने को मिलती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है इस स्कूटर में, और कट्स काफ़ी दिए गए हैं एरोडायनामिक के लिए, जैसा कि यहाँ देख सकते हो। इधर साइड में भी कट देखने को आपको मिल जाएगा। 155 सीसी का लिक्विड कूलिंग इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। 14 HP 13 Nm ऑफ टॉर्क इज राइट ओवर हेयर, और इस आपको कुछ लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। सिलेंडर ये सब आप नहीं ला सकते हो इसमें, जैसा कि हम लोग एक्टिवा और ये सब में करते हैं, तो इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, और आपको इसमें असिस्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर स्कूटी आपकी लाइक कहीं स्टेबल खड़ी है और स्टार्ट है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जिससे कि फ्यूल की भी बचत होती है। ये यामा ने अपनी मोटरसाइकिल्स में अपनी स्कूटर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस आपकी कुछ सीट आपको देखने को मिलती है, एरोक्स की ब्रांडिंग यहाँ आपको देखने को मिलती है। 790mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलती है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145mm का देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको इधर साइड सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। जो एग्जॉस्ट है, काफ़ी लंबा एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है, और इस आपका कुछ मफलर है तो एग्जॉस्ट काफ़ी लंबा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और यहीं पे आपको 140 सेक्शन आपको रियर में देखने को मिल जाता है, और इधर साइड हम लोग बात करें तो 100 सेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, 100x80, और रियर में आपको 140x70। तो इतना ही कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी 155 की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है, और इधर साइड आपको कुछ इस आपकी कुछ लाइट देखने को मिल जाती है, बाकी आपको नॉर्मल वाई हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको ड्रम देखने को मिलता है 130mm का, बाकी आपको ABS दोनों ही में देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ग्रे क्लच और ब्रेक लीवर देखने को मिल जाते हैं। इस आपका कुछ पूरा स्कूटर है, राइट, और देखें तो यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है इधर साइड पे, और 126 केजीज़ का आपको कर्व वेट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ 5.5 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। वैल्यूएबल वेल्व एक्चुएशन VVA यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें VVA की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग ऑन करके एक बार मीटर दिखाते हैं, तो यहाँ पे ABS इंडिकेशन या ट्रैक्शन कंट्रोल का इंडिकेशन, और यहाँ पे आपको इसको हम लोग ट्रैक्शन को ऑफ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, और यहाँ पे आपको इंजन चेकलाइट वॉर्निंग या असिस्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हाई बीम इंडिकेशन या टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे TCS का इंडिकेशन देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करें, यहाँ फ्यूल गेज देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और इतना ही कुछ पूरा था। यहाँ पे आपको मेन्यू का बटन देखने को मिलता है, मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमी, और यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे बैटरी, और यहाँ पे ट्रिप मीटर, दो ट्रिप मीटर के साथ ब्लूटूथ भी इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, डैट्स इट। तो इतना ही कुछ आपको इसमें
देखने को मिल जाता है, ट्रिप एफ मीटर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है और एक ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये आपका जो ट्रिप है वो ऑयल को इंडिकेट करता है, जितना ऑयल पड़ेगा उस हिसाब से आपका जज करेगी स्कूटर की कितना आपकी किलोमीटर रन कर सकती है, यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है। तो इतना ही कुछ पूरा मीटर में था। अगर हम लोग पूरा बात करें, यहाँ पे असिस्ट है, इसको हम लोग ऑन ऑफ चाहें तो कर सकते हैं और ये आपको हजार्ड देखने को मिल जाते हैं। हजार्ड मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको इधर साइड एलईडी लाइट देखने को मिलते हैं, इधर हजार्ड कुछ इस हिसाब का है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डीआरएल एलईडी उस हिसाब का देखने को मिलता है। काफ़ी शार्पी है, यहाँ से अगर हम लोग देखें काफ़ी शार्पी देखने को मिलता है ये चीज़। थोड़ा सा अगर हम लोग यही चीज़ को अगर डार्क करेंगे, एंड डैम दिस लुक्स ऑसम। और इधर साइड आपको साइड में एरोक्स की ब्रांडिंग और यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इतना ही कुछ पूरा था। और अगर हम लोग बात करें इसके कंपेटिबल में कौन सी स्कूटर आती है, तो एसएक्सआर एप्रिलिया की 160 आती है, वो भी एक मैक्सी स्कूटर ही है, बट इसकी थोड़ा सा बात अलग है। बाकी आपको इंजन काफ़ी रिलायबल देखने को मिलता है इसका। बाकी यहाँ पे इग्निशन आपको देखने को मिलती है, एक बार दिखा देते हैं। तो साइलेंटली स्टार्ट हो गई। अगर हम लोग एग्जॉस्ट साउंड नोटिस कर रहे हैं तो नॉर्मल स्कूटरी जैसा ही है, और ये चीज़ काफ़ी वाइब्रेट होती है इसकी, मैं ये चीज़ बता दूं। अगर स्टेबल खड़ी तो काफ़ी वाइब्रेट होती है, जैसा कि अभी हो रही है, आप देख सकते होंगे बहुत वाइब्रेट हो रही है। दिखाते हैं, ये आपका कुछ पूरा साउंड है। बाकी हम लोग ऑफ करने के लिए हम लोग को कोई एक्स्ट्रा किल स्विच नहीं दे के रखा है, इधर ही से ऑफ करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी टिपिकल है। बाकी यहाँ इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न और इधर साइड मेन्यू, और यहाँ पे लो बीम हाई बीम, इतना ही कुछ देखने को मिलता है। एक बार लो बीम हाई बीम भी दिखा देते हैं। तो ये रही हाई बीम और ये रही इसकी लो बीम। तो इस आपका कुछ पूरा है। बाकी हम लोग इसकी प्राइस एक बार बता देते हैं, यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग और इसकी प्राइस बता देते हैं। तो 1,74,000 आपको कुछ देखने को मिलता है इसका ऑन रोड प्राइस। तो इतना ही कुछ पूरा मेरा रिव्यू था इस स्कूटर के ऊपर, इतना ही कुछ मेरे को बताना था स्कूटर के ऊपर। तो यहीं से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइट एंड रिसीव एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।